गुड इवनिंग एवरी वन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर वेरी ओन कंसाइज क्लासेस। तो आज हम लेक्चर 6 करेंगे ऑन वर्ड पार मेड ईजी बाई नॉर्मल लुइस। अभी तक आई हैव गिवन यू 5 लेक्चर्स एंड नाउ टुडे वील कंटिन्यू विद लेक्चर 6। सो हु सो एवर इज वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ दैम टू गो एंड फर्स्ट वॉच द 5 लेक्चर्स विच हैज़ बीन ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, क्योंकि ये सीरीज़ कॉन्टिन्यूएशन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स की समझ ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इन्हें डिज़ाइन ही इस तरह से करा गया है कि अगर आप इनको रेगुलर देखते हो तो आपकी जो वोकैबुलरी की समझ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द सेशन नाउ। फर्स्ट वर्ड है ऑर्थोपीडिस्ट। कल भी मैंने बताया था कि हड्डियों के डॉक्टर को हम ऑर्थोपीडिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, क्लब फुट की प्रॉब्लम हो जाती है, हम कहते हैं ना हम हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस डॉक्टर को हम बोलते क्या है, तो उसे कहते हैं हम ऑर्थोपीडिस्ट। अब ऑर्थोपीडिस्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ऑर्थो, जिसका मतलब है स्ट्रेट, और पेडोज, जिसका मतलब है चाइल्ड। अगर हम एटिमोलॉजिकली समझें, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड इसको डेराइव करें जो इसमें यूज़ हुए हैं, उसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेटनिंग ऑफ चाइल्ड। लेकिन ऑर्थोपीडिस्ट सिर्फ चाइल्ड की स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ को सही नहीं करता है, वो हर किसी की स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ को सही करता है। ठीक है, और जो स्पेशलिटी है उसे हम कहते हैं ऑर्थोपीडिक्स। ठीक है, आप मेरे प्रोनंसिएशन पर भी ध्यान देना, उसे हम कहेंगे ऑर्थोपीडिक्स। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर मैं इस ऑर्थोपीडिक्स में से एस हटा दूँ तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव ऑर्थोडोंटिस्ट। दांत से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, दांत में ब्रेसेस लगवाने होते हैं, तो उस केस में हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, बक टीथ की कोई प्रॉब्लम है, हम फिर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है ऑर्थो स्ट्रेट एंड टूथ टीथ, सॉरी ऑडोंटोस टूथ, यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ टूथ। और जो स्पेशलिटी है उसे हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। अगर हम एस हटा दें यानी कि ऑर्थोडोंटिक, तो ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जब हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस केस में हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसमें दो रूट वर्ड हैं, कार्डिया मतलब हार्ट एंड लोगोस मतलब साइंस। ठीक है, और साइंस ऑफ हार्ट होगी कार्डियोलॉजी, जो स्पेशलिटी है उसे हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। ठीक है, कार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट जो है उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राम। आपने देखा होगा आईसीयू में एक बॉक्स टाइप रखा होता है और उस पर हार्ट बीट्स बनकर आती हैं, राइट? वो जो हार्ट बीट्स बनकर आ रही है ना, उसे हम कहते हैं कार्डियोग्राम। और जो इंस्ट्रूमेंट उन हार्ट बीट को शो कर रहा है उसे कहते हैं हम कार्डियोग्राफ। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोलॉजिस्ट। जब आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, नर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप ऐसा मानो एंटायर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप जिस डॉक्टर को कंसल्ट करोगे वो है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन का मतलब नर्व एंड लोगोस का मतलब साइंस, और साइंस ऑफ नर्व कहते हैं हम न्यूरोलॉजी को। आई एम सॉरी, मैं उस वर्ड को मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन साइंस ऑफ नर्व कहते हैं हम न्यूरोलॉजी को। नेक्स्ट वी हैव न्यूरालजिया। न्यूरालजिया, न्यूरॉन का मतलब नर्व एंड अल्गोस का मतलब पेन, यानी कि नर्व में होने वाला पेन। ठीक है, तो अक्यूट पेन अलोंग द नर्व्स उसे हम कहते हैं न्यूरालजिया। देन वी हैव न्यूराइटिस। न्यूरॉन नर्व एंड आइटिस, इसमें स्पेस नहीं है बच्चों, ITIS। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? जब आपकी नसें मोटी हो जाती हैं, सोर हो जाती हैं, दर्द करने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व। ठीक है, यानी कि न्यूराइटिस। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोसिस। जब कोई इंसान इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है, किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेले रह रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे, उस इंसान को नहीं, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम कहेंगे न्यूरोसिस। ठीक है, और न्यूरोटिक वो पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस। नेक्स्ट वी हैव साइकायट्रिस्ट। साइकायट्रिस्ट कौन होते हैं? कि जो इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको एलिविएट करते हैं। एलिविएट का मतलब उसे कम करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो रूट वर्ड यूज़ हुए हैं, साइकी जिसका मतलब है माइंड एंड सोल,
एंड इटीरिया यानी कि मेडिकल हीलिंग। तो माइंड एंड सोल की मेडिकल हीलिंग के लिए हम जिस डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं वो है साइकायट्रिस्ट, और स्पेशलिटी है साइकायट्री। नेक्स्ट वर्ड वी हैव साइकोसिस। साइकोसिस जब कोई इंसान मेंटली अनबैलेंस हो जाता है। न्यूरोसिस और साइकोसिस में डिफरेंस है, ठीक है। न्यूरोसिस क्या है? इमोशनल और मेंटल डिस्टर्बेंस। आप इमोशनली और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो, आप पागल नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन साइकोसिस जो है वो एक्सट्रीम वर्जन है, आप पागल होने लगे हो, ठीक है, तभी तो साइकायट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो साइकी का मतलब है माइंड एंड सोल, एंड ओसिस का मतलब है अबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन, और साइकोटिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम साइकोसिस। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। आई होप जो भी मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ पीपल ज़रूर लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर भी करें, बिकॉज अभी भी काफ़ी बच्चों को इस चैनल के बारे में पता नहीं है, वो आसानी से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है कि आई एम कंटिन्यूइंग दिस चैनल आफ्टर 2 ईयर्स, सो आप लोगों की हेल्प से ये चैनल ग्रो कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प अच्छी तरह से कर पा रही हूँ, और आप लोगों को भी हेल्प मिल पा रही है, समझ में अच्छी तरह से आ पा रहा है, तो आप प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, सो दैट जो भी बच्चा अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहता है उनको भी हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच।